उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के कई एकड़ क्षेत्र में तैयार किए गए दिव्य और भव्य कॉरिडोर श्री महाकाल लोक का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। श्री मोदी के आगमन के बीच उज्जैन को बेहद आकर्षक तरीके से सजाया गया है। श्री मोदी शाम को गुजरात से वायुसेना के विशेष विमान से इंदौर पहुंचेंगे, जहां से वे हेलीकॉप्टर से उज्जैन आएंगे। शाम 6 बजे श्री मोदी श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अन्य केंद्रीय मंत्री, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, अनेक पदाधिकारी, राज्य के मंत्री और प्रदेश के कई हिस्सों से आमजन यहां मौजूद रहेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी लगभग 2 घंटे उज्जैन में बिताने के बाद इंदौर होते हुए वापस दिल्ली लौट जाएंगे। श्री मोदी ने ट्वीट के जरिए लिखा है, आस्था अध्यात्म की पावन नगरी उज्जैन एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रही है। आज शाम यहां भव्य और दिव्य श्री महाकाल लोक को राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हर हर महादेव। श्री मोदी ने मुख्यमंत्री श्री चौहान एक ट्वीट को रिट्वीट किया है, जिसमें भव्य दिखने वाले श्री महाकाल लोक का विहंगम दृश्य वीडियो के जरिए प्रदर्शित किया गया है। इस बीच श्री मोदी की यात्रा के मद्देनजर इंदौर और उज्जैन में सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए हैं। उनके प्रोटोकॉल के अनुसार मंत्री इंदौर और उज्जैन पहुंच रहे हैं। वहीं राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह पिछले 11 दिनों से उज्जैन में ही रहकर श्री महाकाल लोक के लोकार्पण संबंधी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। उनके विभाग ने 300 करोड़ रुपये की अधिक की लागत से निर्मित महाकाल लोक के निर्माण में नोडल एजेंसी की भूमिका निभाई है। श्री सिंह वर्ष 2016 में यहाँ हुए सिंहस्थ के प्रभारी मंत्री भी थे।